अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? फैज़ान। फैज़ान भाई, आज पाकिस्तान इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच था। जी बिल्कुल सर। तो पाकिस्तान जाहिर सी बात है हार चुका है, तो इसकी क्या रीज़न है आपकी नज़र में, क्यों हारा है? सर आज के मैच में ना जो लास्ट ओवर था उसमें काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हैं। अंपायर का जो फैसला था वो काफ़ी हद तक गलत ही रहा है आवाम की नज़र में। तो जो उसने नो बॉल दी है ना वो बनती नहीं थी। जो लास्ट ओवर में उन्होंने नो बॉल दी अंपायर ने, वो आपकी नज़र में नहीं बनती? बिल्कुल वो नहीं बनती थी। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बड़ी नाकामी आज इसी वजह से हुई है कि लास्ट जो ओवर था ना उसमें अंपायर का फैसला बिल्कुल ठीक नहीं था। अच्छा, तो बाकी आप मुकम्मल मैच आपने देखा ही होगा, तो उसमें कैसी रही इनकी फील्डिंग, इनकी बॉलिंग, इनकी बैटिंग की बात करें तो? जी उसमें देखे जाए तो उसमें तो बेस्ट थे। पाकिस्तान टीम ने काफ़ी कोशिश की है, बहुत हार्ड वर्किंग है और काफ़ी अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया है। लेकिन ये जो आखिरी डिसअपॉइंट हुए हैं ना हम, वो एम्पायर के फैसले से हुए। देखिए नवाज़ जो है ना, उसने पिछले मैच में आप देख सकते हैं कैसे उसने हमें मैच जितवाया है, लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे थे। अब अगर ये हो गया है काम, ये भी एम्पायर का फैसला हुआ है, अगर आप उसे देखा जाए तो वो बिल्कुल ठीक नहीं था। नवाज़ जो है उसको हेट नहीं मिलनी चाहिए इस वजह से। तो यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस मैच को अगर शिकस्त माना जा रहा है तो वो एम्पायर के गलत फैसले की वजह से माना जाए, ना कि अपने ही खिलाड़ी को पॉइंट आउट किया जाए कि उसने हराया। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आप? मोहम्मद जुनेद। जुनेद भाई, आज पाकिस्तान मैच हारा जिसे हमें दिली अफसोस है, तो क्या रीज़न है पाकिस्तान के मैच हारने की? मैच हारने कोई रीज़न नहीं, बहुत अच्छा खेले हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो गया, लेकिन एंड पे उनका टारगेट हमारा भी ये जेन था 130-120 बनाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा टारगेट दिया। एंड पे जो उनके एम्पायर ने किया या जो भी एंड वाले ओवर में काम खराब हो गए बस। अच्छा, तो बाकी बॉलिंग की बात करें, पाकिस्तान की फील्डिंग की बात करें, चला बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत ठीक। दो प्लेयर एक खड़े हैं, वो एक ने हारना एक ने जीतना, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने टारगेट भी दिया, उन्होंने भी अच्छा खेला, लेकिन वो आखिरी ओवर में जो हो गया बस ठीक, कोई बात इनकी नसीब की बात है जी। बिल्कुल, वो नेक्स्ट मैच आएगा आगे, ये तो फर्स्ट मैच था। अच्छा, तो आप भाई ये बताइएगा कि जो उन्होंने लास्ट ओवर डाला है स्पिनर का, क्या उसे आप मुत्तफिक हैं कि वो ठीक किया उन्होंने स्पिनर ओवर डाल के? नहीं भाई, वो ठीक नहीं था, वो फास्ट ही होना चाहिए था, स्पिनर का नहीं होना चाहिए। तो फास्ट होता फिर तो निकल जाना था जी, इंशाल्लाह बिल्कुल निकल जाना था। तो नेक्स्ट जो मैच होने पाकिस्तान के, उसके बारे में क्या तासुरात है, क्या बनेगा वो देखेंगे ना इंशाल्लाह। लेकिन उनको ये चाहिए ना, वो सिचुएशन के हिसाब से कप्तान को भी चाहिए देखना हर चीज़, स्पिनर डालना या फास्ट बोलो, लेकिन उन्होंने स्पिनर डाल के ना गलती कर ली बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या नाम है आपका? शहजाद। शहजाद भाई, आज पाकिस्तान का मैच देखा है आपने? जी देखा है। तो पाकिस्तान हार गया आज जी, इसका बड़ा दुख है दिली। बिल्कुल, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि वजह क्या बनी है मेन कि पाकिस्तान क्यों हारा है? वजह मेन यही बनी है कि वो जो आखिरी ओवर था ना उसमें इतने रन्स थे, खाने नहीं चाहिए थे उसको रन्स में, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा रन्स खा लिए। एक वो नो बॉल होगी, जो नो बॉल भी गलत दी है अंपायर ने, वो बनती नहीं थी नो बॉल। लो लास्ट ओवर में नो बॉल दी है, वो अंपायर ने जो दी है वो नहीं बनती थी? नहीं बनती नहीं थी, वो किसी सूरत भी नहीं बनती थी। पता नहीं वो क्या था रीज़न उसकी कि उसने जो नो बॉल दे दी है। यानी कि आपका एतराज़ बनता है उस नो बॉल पर? लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा बॉलिंग भी की है, बैटिंग भी उन्होंने की है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा खेले हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आगे वाले जो मैच है उसमें पाकिस्तान की क्या सूरत हाल होगी? इंशाल्लाह बहुत अच्छा खेलेगा और कम बैक करेगा। तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अली रजा जी। अली भाई, आज पाकिस्तान का मैच था, तो पाकिस्तान जो है वो आज हार गया, क्या रीज़न बनी है पाकिस्तान का मैच हारने की? पाकिस्तान मैच हारने की रीज़न क्या हो सकती है कि यार, रीज़न भी नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अफसोस भी हुआ और हमारे साथ नाइंसाफ़ी भी हुई। क्योंकि नाइंसाफ़ी इसलिए हुई कि अंपायर ने भी गलत बयानी की और कुछ के हमारे प्लेयरों ने भी कोई अप्रिशिएट या हाजिर दिमागी का नहीं मुजाहरा किया, जिस वजह से ये मैच हारने की वजह बनी। नेक्स्ट नेक्स्ट भी इंशाल्लाह अच्छा चलेगा, लेकिन आज भी बहुत अच्छा था, पाकिस्तान का भी बैकअप अच्छा किया उन्होंने बॉलिंग में भी, लेकिन
बस के मुकद्दर और तकदीर की ये खेल है ये, तो मेहर भाई कुछ नहीं कह सकते, इंशाल्लाह आगे अच्छा कोई कम बैक करेंगे और अच्छी इम्प्रूवमेंट देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शफकतुर्रहमान। शफकत भाई ये बताएं, आज पाकिस्तान का जो मैच था उसमें पाकिस्तान हार गया है, उसके लिए हमें बड़ा दिली अफसोस है जी, बिल्कुल। तो आज के मैच के बारे में आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान के हारने की वजह क्या थी? पाकिस्तान की टीम वैसे तो बहुत अच्छी है, ठीक है, उन्होंने, हम इस टीम को अप्रिशिएट करते हैं। लास्ट ओवर था ना, इस पर फास्ट ओवर होना चाहिए था, फास्ट बॉलिंग होनी चाहिए थी, ठीक है, और हम इस टीम को फिर भी अप्रिशिएट करते हैं, आई लव पाकिस्तान टीम। अच्छा तो भाई आप ये बताएं कि पाकिस्तान के जो है वो वर्ल्ड कप पे जाएगा कि नहीं, ये बताएं? इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की टीम लास्ट फाइनल तक जाएगी, और मैं दिली तौर पर कहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम वैसे भी अच्छी है और इंशाल्लाह ताला ये जाएगी। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।